अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं, काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले एक स्लिप नोट बना लें और थोड़ा सा इसको लूज रखें, और उसके बाद आपने 3 चेन्स बनाने हैं स्टार्टिंग पर, 3 चेन्स। और उसके बाद आप क्रोशिया हुक के ऊपर 2 लूप्स को 2 टाइम्स उसको क्रोशिया हुक के ऊपर बल देना है आपने। और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया आपने, पता नहीं ट्रिपल बोलते हैं या ट्रिपल बोलते हैं, जो भी है वो आपने जो फर्स्ट स्लिप नॉट है उसमें से आपने ये देखें ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 2 और फिर 2, इस तरीके से 2 2 लूप करके आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर आगे नेक्स्ट, फिर आपने 4 चेन्स और उसके बाद ये देखें ये जो 2 लूप्स उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं उसके अंदर क्रोशिया को दाखिल करें, और हमने यहाँ पर फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 2 2 करके आप 3 टाइम्स इसमें से निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन्स। उसके बाद 2 टाइम्स बल देंगे इसको, और फिर ये जो ऊपर वाले 2 लूप्स हैं उसके अंदर से क्रोशिया को दाखिल करके, और हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। डबल डबल डबल, ये जनाब ज़रा डिफरेंट है लूप डालने का तरीका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसी तरीके से ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 मैंने ये लूप्स इस तरीके से बनाए हैं। आप अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग जितने चाहें आप उस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए ये मैंने ऑलमोस्ट 13 जो है ये लूप्स इस तरह के बनाए हैं। ये देखिए आपके सामने ये लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से ये थोड़ा डिफरेंट है स्टाइल, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बहरहाल आप इसको फॉलो करते जाएं, देखते जाएं, इससे हम कई और काम भी ले सकते हैं। बहरहाल अभी आप इस पैटर्न को गौर से देखें, हमने 4 चेन्स बना ली, और ये जो फर्स्ट लूप है ये यहाँ पे ये जो गैप है इसमें से हमने 3 डबल क्रोशिया, मैं यहाँ पर एडवांस डबल क्रोशिया बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल डबल क्रोशिया भी इसमें बना सकते हैं, नॉर्मल जैसे डबल क्रोशिया होते हैं वैसे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एडवांस थोड़ा सा मैं इस लूप को लेंथ वाइज बड़ा करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 एडवांस डबल क्रोशिया, ये आपके सामने फर्स्ट लूप में मैंने इस तरीके से। उसके बाद चेन 2, और नेक्स्ट जो बाकी सब हिस्से को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले हिस्से में से जो लूप है उसमें से 1 सिंगल क्रोशिया उठाएंगे, और उसके बाद फिर 2 चेन्स। अब नेक्स्ट जो लूप है उसमें फिर इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 1। मैं यहाँ पे एडवांस, मैं आपको पहले बता दूँ मैं यहाँ पे एडवांस बना रही हूँ, मतलब ज़रा सा लंबा करने के लिए, सिंगल डबल डबल, इस तरह से जो स्टिच है वो ज़रा लेंथ वाइज बड़ा हो जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 एडवांस डबल क्रोशिया बना लिया है, 2 चेन्स, और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। ये इसी तरीके से फर्स्ट रो हमने इस तरीके से कंप्लीट करनी है, ये इसी को देखते जाएं फॉलो करते जाएं। ये देखिए हमारी फर्स्ट रो पैटर्न की जो फर्स्ट रो, ये 2 रोज पैटर्न है, इसकी फर्स्ट रो हमारी ये फ्रंट साइड है, ये ख्याल रहे कि ये फ्रंट साइड पे आएगा, ये राइट साइड होगी, और उसके बाद ये लास्ट जब 3 हमने चेन स्टिचेस बना लिए तो लास्ट में जो हमारा स्लिप नॉट था उसमें से हम 1 डबल क्रोशिया उठाएंगे, ये हमारा एंड हो गया। उसके बाद चेन 1 और
काम को पलट लेंगे। अब फर्स्ट स्टिच हम यहीं से उठाएंगे और उसके बाद 3 चेन्स, 1 2 3, 3 चेन्स, और ये दरमियान के 3 स्टिचेस को स्किप करके नेक्स्ट जो 2 चेन्स गैप है उसमें से एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर 3 चेन्स, और ये देखें आपके सामने जो सेकंड 2 चेन्स गैप है उसमें से एक सिंगल क्रोशिया। बहुत सिंपल ये सेकंड लाइन रो जो है, बहुत सिंपल, इसको बस 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशिया, बस ये टू चेन्स गैप है उसके अंदर से हमने इसको सिंगल क्रोशिया को उठाना है, 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया। ये देखें ये 2 रोज हमने रिपीट करनी है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये स्वेटर की रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर ये 3 चेन्स वाला पैटर्न होगा। आप जो फ्रंट साइड है उसके लिए पहले आप 3 या 4 चेन्स, मैंने यहाँ पे 3 चेन्स किया है, और इसी के ऊपर ये जो 3 स्टिचेस हैं उसके ही ऊपर ये देखें दोबारा लूप बन गया, और उसी में से हम 3 एडवांस डबल क्रोशिया ले रहे हैं, 1 2 3, ये 3 टाइम्स निकलता है, इस तरीके से ज़रा बड़ा हो जाता है, लेंथ वाइज बड़ा हो जाता है। अब फिर वो इसी तरीके से नेक्स्ट हिस्सा ये देखें आपके सामने, 1 2 चेन्स, और नेक्स्ट हिस्से में से हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है, बाकी स्टिचेस को स्किप कर देंगे, फिर 2 चेन्स, और नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस वाला हिस्सा है उसी के ऊपर फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे। बहुत आसान, बहुत आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत खूबसूरत, जैसे कि आपने स्वेटर में देखा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट स्वेटर बनेगा। आप इसको किसी भी चीज़ पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये लास्ट से ये देखें ये लास्ट भी उठाना है इसका एंड, वरना ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये यहाँ ये देखें ये हमारी पैटर्न की, मैं 2 रोज पैटर्न को समझे सिंगल काउंट करूं तो ये हमारी सेकंड। अब इसकी बैक साइड की रो बनाए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन्स, ये बहुत सिंपल, सिंगल क्रोशिया फिर 3 चेन्स और फिर सिंगल क्रोशिया, ये 2 चेन्स गैप में से हमने ये काम करना है। सब पैटर्न उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, मेरा ख्याल है टाइम बहुत वेस्ट ना करें और समझ आ गया, इसको मज़ीद आगे नहीं करते। मैंने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि मैं अपने स्वेटर की या कार्डिगन की फ्रंट साइड का हाफ पोर्शन बना रही हूँ। आप जो भी चीज़ बना रही हैं उसके लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये शोल्डर लेवल तक जब पहुंच जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट इस पर क्या करना है और स्टिचेस को ख़त्म कैसे करना है। ये देखिए जी, ये मैंने आपके सामने जो यहाँ से शुरू किया था और ये यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट 27 + 27 ऑलमोस्ट 54 रोज ये कंप्लीट हो चुकी हैं, 27 फ्रंट रोज और 27 बैक रोज। मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ, आप अपने ये देखें शोल्डर तक इसका 16.5 इंचेस या 42 सेंटीमीटर, ये इसकी यहाँ तक मैंने जब लेंथ हो गई। अब मैं यहाँ पर आकर इसके शोल्डर की कटिंग भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर नेक लाइन के लिए शेप देने के लिए, वी शेप देने के लिए, अब आप देखें कि मैं यहाँ पर किस जगह से स्टिचेस को कम कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल लास्ट से भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट वाला हिस्सा छोड़कर उससे पहले स्टिचेस को कम किया है।
ये हो गया 3 एडवांस डबल क्रोशिया। अब उसके सामने ये जो आपके सामने है 1 2 2 चेन्स बनाने के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया उठा देते, ये उठा लिया। अब उसके बाद अब हम एक स्टिच यहाँ पर कम करेंगे, हम 2 के बजाय सिर्फ 1 चेन बनाएंगे और बाकी पैटर्न लास्ट वाली जो पट्टी है ये ख्याल रहे ये आपने एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको एज इट इज आपने लेके चलना है। इस तरीके से वो एक तरह से बॉर्डर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये देखें इस पट्टी को हमने मुकम्मल बनाना है, सेकंड स्टिच और थर्ड स्टिच और लास्ट यहाँ से ये इसका एंड हो गया। उसके बाद चेन 1, अब हम काम को पलट लें। फर्स्ट स्टिच में उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया, अब पट्टी के ऊपर से 3 चेन्स, नेक्स्ट वो जो सिर्फ एक चेन का गैप है उसमें से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब ख्याल रहे कि हमने स्टिच एक कम करना है, अब बजाय 3 चेन्स बनाने के हमने सिर्फ 2 चेन्स बनाए हैं और फिर दूसरे हिस्से में से एक सिंगल क्रोशिया। ये देखें यहाँ पे दोनों लाइंस को मिलाकर एक स्टिच हमारा कम हो गया, बाकी पैटर्न उसी तरीके से फॉलो करेंगे। 3 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशिया, अभी यहीं पर मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए जगह छोड़ूंगी। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज़ शोल्डर वाली साइड को इसको स्ट्रेट भी रहने दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने शोल्डर्स के लिए आर्म होल के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी है, ये देखें ये इतना हिस्सा मैंने अब आगे नहीं बनाऊँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एंड कर रही हूँ और यहीं से इसको वापस ले जाऊँगी। इस तरीके से वो आर्म होल के लिए एक हिस्सा ये बच जाएगा। अब बाकी पैटर्न उसी तरीके से फॉलो करते हुए जैसे हम बाकी पैटर्न, ये देखें ये आर्म होल के लिए जगह हमने, मैंने इतनी शोल्डर कटिंग के लिए या आर्म होल के लिए छोड़ दिया, बाकी पैटर्न उसी तरीके से फॉलो करें। मैंने आर्म होल के लिए 2 पैटर्न स्किप किए हैं टोटल। अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हमने पट्टी के पास एक दो बार आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या करना है। अब यहाँ पर हमने एक स्टिच और ख़त्म करना है, लेकिन उससे उसकी वजह से यहाँ पर नीचे गैप रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करके नीचे एक स्टिच ले लिया है और बाकी पैटर्न उसी तरीके से। सिर्फ एक चेन बनाने के बाद मैंने एक डबल क्रोशिया नीचे वाले हिस्से में से ले लिया ताकि वो जो गैप है या जो होल है वो ना बने। और बाकी लास्ट वाली पट्टी मैंने आपको बताया, लास्ट वाला जो पैटर्न है 3 स्टिचेस वाला, वो कंप्लीट उसी तरीके से बनाएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये देखें चेन 1, फिर इसी में से यहां से इस पैटर्न को उसी तरीके से 1 2 3, इसको 3 चेन्स और ये यहाँ पर 3 स्टिचेस के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए। आप देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर, अब आपने यहाँ पे इसको खुद ध्यान रखना है कि हमारे कितने स्टिचेस रह गए हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक चेन बनाने के बाद इसको ये देखें 1 2 3, बाकी उसी तरीके से फॉलो करें। इसका फ्रंट पे जब आप एक स्टिच कम करेंगे तो उसी को फॉलो करते हुए, आप बैक पे कम नहीं कर रहे, हम उतने स्टिचेस को बैक पर, बस इनको खुद काउंट करना है कि अब हमारे पास बैक पे कितने स्टिचेस होने चाहिए।
ये देखिए, मैं अब आपको एक बात बार और ये बता दूं कि हमने यहाँ पे वी शेप को कैसे, ये देखें वन, और अब मैं कोई स्टिच बीच में नहीं, ये देखें वो तीनों के तीनों सब स्टिचेस ख़त्म हो गए और हम नेक्स्ट पैटर्न पे चले गए। अब ये थोड़ा सा बन जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वी शेप किस तरीके से बन रही है। अभी आपको खुद भी समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ये जो नेट वाला हिस्सा था उसमें से हमने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके थ्री स्टिचेस को ख़त्म कर दिया। ये देखें आपके सामने, ये देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ एक रह गया, चेन वन, सिंगल क्रोशिया, पट्टी के ऊपर थ्री चेन्स, और लास्ट में इधर सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया। और देखें हम नेक्स्ट पैटर्न उसी तरह के पैटर्न पर हम पहुंच गए, ये यहाँ पर उसके ऊपर थ्री चेन्स, दरमियान का नेट वाला हिस्सा जो था वो सारा का सारा स्किप हो चुका है। लेकिन ख्याल रहे कि हर लाइन पर एक स्टिच आपने कम करना है। अगर आप अपने उस पर कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, भारत में वी शेप कर क्योंकि ज़्यादा ये पसंद किया जाता है तो इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक आध बार आपको थोड़ा सा और बता दूँ, ये देखें अब जो दरमियान का एक स्टिच था हमने उसको भी ख़त्म करना है, ठीक है। ये लास्ट है डबल क्रोशिया। अच्छा हाँ, मैं एक बात बता दूं कि जो लास्ट स्टिच है या स्टार्टिंग ये जो है उसमें मैंने एडवांस डबल क्रोशिया नहीं किया, वहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया किया है, बाकी जगह पे एडवांस, लेकिन स्टार्टिंग पर ये जो है ना इसके उस पर सिर्फ सिंपल। अब ये देखें जनाब, थ्री स्टिचेस के बाद मैंने एक उठाया, लेकिन अब चूंकि वहाँ पर एक स्टिच कम होना चाहिए था इसलिए हमने वहाँ पर सिर्फ टू चेन्स बनाए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने एक एक स्टिच टू रोज फ्रंट और बैक रोज को मिलाकर एक एक स्टिच, ये देखें आपके सामने खुद ब खुद वी शेप बनती जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। बाकी पैटर्न उसी तरह से फॉलो करें, थ्री चेन्स वन सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन्स वन सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब मैं आपको बता दूं, सिंगल क्रोशिया थ्री चेन, ये पट्टी वाला हिस्सा है वन टू थ्री, इसके थ्री स्टिचेस के बाद मैंने एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद ये देखें सिर्फ एक चेन डालूंगी और इस टू चेन गैप में आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये स्टिचेस कम हो रहे हैं, बाकी पैटर्न उसी तरह से। मेरा ख्याल है आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने स्टिचेस को किस तरह से कम करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरी कोशिश होगी कि इसको इस तरह से अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन भारत आप खुद माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, तो हो सकता है कि आप मेरे से भी बेहतर काम कर सकते हो और मेरे से भी बेहतर कोई आइडिया दे सकते हो कि स्टिचेस को कैसे कम करें। तो बहरहाल मैंने जिस तरीके से कम किया वो मैंने आपको बता दिया है। अब जनाब ये देखें आपके सामने वी शेप, जहाँ पे मुझे होल का डर था कि भी यहाँ पे बड़ा होल गैप ना बन जाए, वहाँ मैंने डबल क्रोशिया करके उसको
फिल कर दिया। ये इस तरीके से, ये देखें आपके सामने हमारे तकरीबन 4 से 5 रोज मैंने आपके, यानी डबल दोनों को मिला के, तो यहाँ पर 4 या 5 स्टिचेस ही मेरे कम हो गए। अब यहाँ पे ये जो लास्ट के 3 पैटर्न्स, यहाँ तक जब तक आप नहीं आ जाते हम इन स्टिचेस को कम करते रहेंगे। ये देखें आपके सामने, ये जो अभी मैंने बनाया है ये आपके सामने राइट साइड पर है, और जो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ लेफ्ट साइड पर, ये आपके सामने, ये देखें, ये देखें, ये वी शेप, ये सब के सब यहाँ पर नेक लाइन की पट्टी के साथ मैंने स्टिचेस को कम किया है। इसी तरीके से ये देखें, जब यहाँ पर हमारे पास ये 3 पैटर्न्स रह जाएं, ये वाले 3 रह जाएं, तो तब हमने इसको स्टिचेस को कम करना ख़त्म कर देंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, जितना हमने आर्म होल रखना है, अगर मज़ीद अभी और आपको चाहिए तो आप फिर बग़ैर स्टिचेस को कम किए इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जी हमारे कंप्लीट हो गया है, और जैसे ही वो मुकम्मल होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे स्टिच करना है। ये हमारी बैक साइड, इस पे हमारे तकरीबन 13 हमारे पैटर्न है, 13 मैं आपको इसकी कंप्लीट मेजरमेंट दे देती हूँ, इसकी कितनी विड्थ है। ये देखें, और लेंथ ये 27 इंचेस या 27.5 इंचेस, इसी तरीके से 71 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा इसको कर सकते हैं। तो मेरा मकसद आपको मेजरमेंट ये देना, ये एक मीडियम साइज शख्स लेडी के लिए ये एक मुनासिब स्वेटर है, इसलिए मैं इसकी लेंथ और विड्थ आपको बता रही हूँ। ये देखें आपके सामने, ये 3 हिस्से आपके सामने, ये बैक वाला हिस्सा है, ये उसकी रॉन्ग साइड ऊपर है, और ये 2 फ्रंट वाले हिस्से हैं, इनकी राइट साइड ऊपर है। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने, इनको अब पहले ऊपर से हमने स्टिच करना है। सिंपल मैं जिस तरीके से स्टिच करती हूँ वो आप देख लें। एक लूप बैक से लेंगे और स्टिच का एक ही लूप हम फ्रंट साइड से बारी बारी, एक ही लूप फ्रंट साइड से, एक लूप बैक से और एक लूप फ्रंट साइड से। ये देखें, बस एक एक स्टिच पे से एक एक लूप को आपने उठाना है। ये देखें, इस तरीके से जो सिलाई है वो काफ़ी नीट और अच्छी नज़र आती है। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा अपना स्टिच करने का तरीका लगता है। इन दोनों साइड्स को इस तरीके से मुकम्मल तौर पर सी लें। ये देखें आपके सामने, देखें सिलाई होने के बाद, ये देखें बिल्कुल ये नज़र भी नहीं आता और बहुत अच्छा। मैंने आपको बताया मुझे बार बार धागा कट करना अच्छा नहीं लगता, तो जहाँ पर मैंने मुकम्मल किया था फ्रंट साइड को, मैंने उस यान को कट नहीं किया था, उसको एज इट इज़ रहने दिया था। ठीक है, अब मैं इसी ऊन को, इसी यान को आगे बढ़ाते हुए मैं बॉर्डर बनाने लगी हूँ। ये अगर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए मैं इसके साथ एक सिंपल सा एक बॉर्डर डिज़ाइन भी बना रही हूँ। ये देखिए, अब किसी भी एरिया से शुरू कर सकते हैं। बॉर्डर हमने कहाँ कहाँ बनाना है, हमने तमाम फ्रंट के दोनों साइड्स पर और हमने नीचे वाले हिस्से में बनाना है।
मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एक लूप लिया, वन चेन टू चेन्स, और उसके बाद जो यान इर्द गिर्द कहीं नजर आ रहे हैं उनको अगर साथ रखें तो वो बीच में स्टिच होते जाएंगे। मैंने हाफ डबल क्रोशिया, ये सारा बॉर्डर जो है यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया, ये देखें जो हिस्सा सिंगल वाला है यानी चेन्स वाला है उसमें से एक हाफ डबल क्रोशिया, और जो डबल क्रोशिया वाला ये देख रो है, ये वाली, ये डबल क्रोशिया वाली जो रो है इसमें से मैंने टू हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस उठाए। बस इस तरीके से आप उठाएंगे तो ये आपके इस पे झोल नहीं आएगा। यान ओवर, इसमें से हाफ डबल क्रोशिया वन, और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया भी यहीं से, और इस हिस्से के ये देखें जो स्टिच नजर आ रहा है इसके होल में से यहां से एक डबल हाफ डबल क्रोशिया, और बाकी ये डबल क्रोशिया वाली रो जो है इसमें से टू टू डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, और बाकी ये देखें अब नेक्स्ट में से वो जो होल नजर आ रहा है उसमें से एक हाफ डबल क्रोशिया, ये देखें आपके सामने। इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट के ये देखें जब यहाँ तक हम कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको जस्ट इतना बता दूंगी कि हमने यहाँ पर क्या किया ताकि कॉर्नर शेप बेहतर हो जाए। ये देखें आपके सामने ये हाफ डबल क्रोशिया रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लास्ट हम कॉर्नर पर आ गए, ये अब यहाँ पे भी आपको अगर यहाँ नजर आ रहा है तो उसको हम इसके अंदर ही रखेंगे। लास्ट स्टिच में हम कॉर्नर बनाने के लिए हाफ डबल क्रोशिया थ्री टाइम्स एक ही स्टिच में से लेंगे कॉर्नर वाले पे से, थ्री हाफ डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो कॉर्नर बनाने के लिए ये देखें, और यहाँ थोड़ा सा लूज था मैंने उसको टाइट कर दिया, और बाकी ये देखें आपके सामने आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि जहाँ पे थ्री स्टिचेस हैं उसके नीचे भी आप थ्री हाफ डबल क्रोशिया आप बनाएं, वन टू थ्री, ये देखें थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट वाला जो लूप है ये जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था स्वेटर का उसमें हम सिर्फ टू बनाने को, हम थ्री भी बना सकते हैं लेकिन मैंने नोट किया कि उस तरीके से उसमें झोल आना था और वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थ्री स्टिचेस के नीचे आप थ्री बनाएंगे और वो जो चेन्स वाला हिस्सा है उसमें आप टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये लाइन बहुत नीट बनेगी। ये मक्खी आ गई है, इसको कहीं आगे पीछे कर देना चाहिए। चले जी, ओके, थ्री स्टिचेस के नीचे हमने थ्री हाफ डबल क्रोशिया करने हैं और जो चेन्स वाला हिस्सा है उसमें हमने टू हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो मक्खी शक्की आती है तो जनाब मैं ऐसी जगह पे बैठ के बनाती हूँ कि बस मत ही पूछें, तो काफ़ी कुछ आता रहता है। बाहर चलें जी, स्वेटर के अगला हिस्सा ये, इसको यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखें नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बस इसी चीज़ को फॉलो करें, थ्री हाफ डबल क्रोशिया और फिर टू हाफ डबल क्रोशिया फिर थ्री हाफ डबल। अब लास्ट पे उसी तरीके से जैसे आपको पहले भी बता चुकी कि लास्ट कॉर्नर बनाने के लिए आपने लास्ट स्टिच में थ्री हाफ डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में से बनाए, ये देखिए इसी स्टिच में से। ये थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये कॉर्नर की शेप टर्न हो जाएगी, कॉर्नर शेप बन जाएगी। अब जनाब आ जाएं, ये हमारा फ्रंट मेरे हाथ में जो है ये फ्रंट हिस्सा है और वो सामने
बैक वाला हिस्सा। अब इन दोनों को हमने आपस में स्टिच करना है। थ्री चेन्स, पहले हम सिर्फ अपने साइड इसमें ये जो होल है इसमें से एक सिंगल क्रोशिया, बाकी दरमियान वाले हिस्से को स्किप कर दें। 1 2 3 दरमियान वाले हिस्से को, ये जो डबल क्रोशिया वाला हिस्सा है उसको स्किप कर दें, और नेक्स्ट जो चेन्स वाला हिस्सा है उसके जो होल है 2 लूप्स के नीचे से वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। 3 चेन्स और इस होल में से एक सिंगल क्रोशिया। थ्री चेन, मक्की साहब फिर तशरीफ ले आइए। ओके, अच्छा, अब जनाब ये मैंने इसको यहाँ तक, पहले जिस तरह से अभी आपको बता रही हूँ 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक इस आर्म होल तक, शोल्डर तक ले, उसके बाद फिर मैं आपको बैक साइड के साथ जोड़ना आपको बताऊंगी। ये देखें, ये जो आपके सामने स्टार्ट लिया था 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशिया, ये करते हुए हम ये यहाँ पर आर्म होल तक पहुँच गए। अब हमने इसको जोड़ना है बैक साइड के साथ। ये लास्ट स्टिच है सिंगल क्रोशिया, यहां से लेंगे, अब सिर्फ 2 चेन्स बनाए और बैक साइड के कॉर्नर वाले स्टिच पर हम इसको अटैच करेंगे। मैंने यहां पर स्ट्रिप स्टिच की मदद से इसको अटैच किया है, आप इसको सिंगल क्रोशिया से भी कर सकते हैं, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर दिया। अब जनाब आगे जो चीज़ है वो थोड़ा सा गौर करने की है, चेन 2। अब हम इसको इस फ्रंट वाले हिस्से में जो हमने 3 चेन्स बनाए हैं, इसका जो सेकंड चेन है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। सेकंड चेन जो सेंटर वाला इसका चेन बनेगा, ये 3 चेन्स आपके सामने अभी हम करके यहाँ पर पहुँचे हैं। राइट साइड की तरफ एक लूप होना चाहिए और हमारे लेफ्ट साइड की तरफ 2 लूप्स हों। इसमें से स्टिच को निकाला, फिर चेन 1 और नेक्स्ट इस डबल क्रोशिया वाली रो को स्किप कर दें, और ये चेन वाली जो रो है इसमें जो गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया। अब चेन 2, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। अब बस ख्याल रहे कि कुछ हिस्सा स्किप ना हो, ये देखें, ताकि आपको और क्लियर समझ आए। ये यहाँ पर अब सेकंड हिस्सा, जो सेकंड स्टिच है चेन है उसके 2 लूप्स हमारे लेफ्ट साइड पे होंगे और एक लूप हमारे राइट साइड पे। आप उसमें से इस स्टिच को यूं गुजारेंगे, फिर उसके बाद चेन 1 और इस हिस्से को स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट इस होल में, ये जो छोटा सा होल है इसमें से एक सिंगल क्रोशिया। चेन 2 और ये देखें, इस हिस्से को आप स्किप कर दें, और नेक्स्ट हिस्से का जो सेकंड स्टिच है इसके साथ ज्वाइन करना है। बस एक लूप इधर और 2 लूप्स लेफ्ट साइड पर, चेन 1 और डबल क्रोशिया स्किप कर दें, और चेन वाले हिस्से में से एक सिंगल क्रोशिया। बस ये इसी तरीके से हमने ज्वाइन करना है। मैंने एंड पर एक स्लेट छोड़ा है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप कंप्लीट नीचे तक इसको बना सकते हैं, इस तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये देखें, मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरह से ज्वाइन करने की रीज़न क्या है। इस तरीके से ये जो पैटर्न है ये उसको फॉलो कर रहा है, देखें उसके साथ मैच हो रहा है, तो ये फिर बुरा। अगर हम इसको सिंपल तरीके से आपस में स्टिच कर देते तो ये एक बड़ी सी पट्टी बन जाती जो अच्छी ना लगती। हमने इसको पैटर्न के साथ फॉलो करने के लिए इस तरीके से ज्वाइन किया है। इसको यहाँ पर ज्वाइन करने, यहाँ तक बने
ज्वाइन करने के बाद बाकी नीचे उसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे आपको फ्रंट पे बताया, फिर इसको इस तरफ से हम फ्रंट साइड के साथ ज्वाइन करेंगे ये, और ये मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पर। जब ये ज्वाइनिंग मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखें आपके सामने, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा स्लेट के लिए छोड़ रही हूँ, बस खूबसूरत लगे, अच्छा लगे इसके लिए मैंने। आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसको मुकम्मल तौर पे बंद भी कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का तरीका वही जो मैंने आपको बताया था, और ये ज्वाइनिंग मैंने आपको रीज़न बता दी है ताकि वो पैटर्न के साथ मैच हो जाए। ये देखें कि आर्म होल है, यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन किया है। दोनों साइड को इसी तरह से मुकम्मल तौर पर हम आपस में ज्वाइन करने के बाद अब हम बॉर्डर बना रहे हैं। मैं आपको जस्ट इसका आर्म होल के ऊपर जो मैंने बॉर्डर बनाया है वो बता रही हूँ। ये यहाँ से लूप को निकाल के, पहले मैंने स्लिप नॉट बनाई और उसके बाद लूप को निकाला किसी भी एक स्टिच में से और 3 चेन्स बनाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए डबल क्रोशे का जो स्टिच है वो यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं जैसे मैंने बाकी हिस्से में बाकी स्वेटर में बनाया है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आर्म होल के लिए जो स्टिच इस्तेमाल किया है वो डबल क्रोशे है। हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशे, ये देखें, ये कॉर्नर आ गया। इस कॉर्नर की थोड़ी शेप देने के लिए मैं ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ, जरा गौर करें कि यहाँ पर हम 3 स्टिचेस को इकट्ठे करेंगे, इस तरीके से कॉर्नर शेप बनेगी। ये देखें, एक लूप मैंने क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दिया। अब इसको कॉर्नर से एक स्टिच को उठाऊंगी, लेकिन कंप्लीट नहीं करना। 2 लूप्स में निकाल लिया, एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दिया। अब अपवर्ड से एक स्टिच को उठाया, ये डबल क्रोशिया का ही देखें, अपवर्ड से, अपवर्ड जाने के लिए यहां से अब इन सब लूप्स को एक साथ, ये 3 लूप्स हमने एक साथ ज्वाइन करें। ये देखें इस तरीके से ये कॉर्नर की शेप बन जाएगी। बाकी उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बाकी बॉर्डर में बताया है कि हमने डबल क्रोशिया करना है, जो डबल क्रोशिया रो है वहाँ पर 2 बनाने हैं और जो चेन्स वाली रो है उसमें 1 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। और इस गैप, ये देखें छोटा सा यहाँ पर होल है, उसमें से आपने स्टिच को उठाना है डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और होल में से 1 डबल क्रोशिया। ये सारा मुकम्मल होता है इस जगह कॉर्नर को उसी तरीके से जैसे अभी आपको बता चुकी हूँ, उसी तरीके 3 स्टिचेस को इकट्ठा करेंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा। जब ये यहाँ मुकम्मल होगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने इसमें क्या चेंजिंग या ऐड किया है। ये देखें, ये मैं पूरा आर्म होल मुकम्मल करके डबल क्रोशिया वाली रो मुकम्मल करके ये इसको एंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन्स थे, ये इसका जो 3rd चेन है, 1, 2, 3, 3rd चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर रही हूँ। ये यहाँ पर, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप, ये देखें। अब उसके बाद ये ऑप्शनल है कि अगर आप इसकी मज़ीद कुछ ब्यूटी बनाना चाहते हैं तो मैंने चेन 1 करके एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप कोई भी बॉर्डर इस पे यहाँ पे बना सकते हैं। चेन 2, उसके बाद ये जो
सिंगल क्रोशिया उसके बैक साइड से स्टिच को उठाना है डबल क्रोशिया के लिए, लेकिन मुकम्मल नहीं करना, टू डबल क्रोशिया टुगेदर हमने यहाँ पर करने हैं। ये देखें इस तरह थ्री लूप जब क्रोशिया हुक के ऊपर हो जाएं तो इनको इकट्ठे कर लें। अब टू स्टिचेस को स्किप करना है और थर्ड वन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब ये देखें ये एक स्टिच बन गया, वन टू। टू चेन्स बनाने के बाद दोनों सिंगल क्रोशिया के जो दरमियान वाला हिस्सा है, दरमियान में से हमने स्टिच को टू डबल क्रोशिया टुगेदर, टू लूप्स को लेंगे लेकिन एक लूप छोड़ देंगे, फिर टू लूप्स इकट्ठा करेंगे। ये देखें सेकेंड स्टिच, टू लूप्स को इकट्ठा करेंगे लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर छोड़ देंगे, थ्री लूप्स हो गए। अब इन सबको एक साथ टू स्टिचेस को स्किप करना है, वन टू, और थर्ड वन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये है मैंने जो पैटर्न सारे पे। अब ये देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर आ गया है, मैं यहाँ पर इस कॉर्नर को किसी हद तक शेप देने के लिए एक स्टिच को स्किप कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टिच में से सिंगल क्रोशिया उठा रही हूँ। ये देखें इस तरह से एक स्टिच बंद। अब बाकी पैटर्न उसी तरह से फॉलो करें, चेन टू, टू डबल क्रोशिया टुगेदर, ये इकट्ठे करने हैं। ये देखें और दोनों सिंगल क्रोशिया के जो दरमियान में गैप है उसमें से आपने स्टिचेस को उठाना है। ये देखें बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा, मैंने इसी वजह से इसको बनाया है। आप ना भी बनाएं तब भी ठीक है, ये ऑप्शनल है। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, चेन टू, आगे फिर उसी तरह से वन टू चेन्स और टू डबल क्रोशिया टुगेदर, दोनों सिंगल क्रोशिया के दरमियान वाले गैप में से हमने टू डबल क्रोशिया टुगेदर इकट्ठे बुनने हैं। ये देखें स्किप टू स्टिचेस और थर्ड वन में इस तरह से, नेक्स्ट फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कॉर्नर शेप आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि किस कदर नीट बनेगी। इस तरीके से आप इसी तरीके से जो बात आपसे बोली है स्टिचेस को कंबाइन करने की, इकट्ठे करने की, उससे शेप बहुत अच्छी। ये हमारा ये देखें, और यही पैटर्न मैंने यहाँ पर जो हाफ डबल क्रोशिया था उसके बाद मैंने यही पैटर्न यहाँ पर भी गले के साथ भी दोनों साइड पर फॉलो किया है और नीचे भी पूरे स्वेटर पे मैंने यही पैटर्न बॉर्डर का बनाया है। ये ऑप्शनल है, यूँ अच्छा लग रहा है आप ज़रूर इसको फॉलो करें। उम्मीद है आज